हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास में है तो उस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम का कितना परसेंट प्रेजेंट है, और हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला पे हमने अच्छे खासे तीन चार क्वेश्चन किए थे, और मैंने बोला था बच्चों आप लोगों को कि ये दो चार लेक्चर जब हो जाएंगे तो मैं एक साथ और क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? तो उनके क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसको बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में। देखते हैं ये कितनी देर चलता है, उसके बाद में अगर छोटा वीडियो बनेगा तो हम उसमें स्टोइकोमेट्री भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? लेकिन बच्चों आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते रहना है, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करते रहना है ताकि उनको भी इस कंटेंट का फायदा मिले। और मैं सभी बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो अपना चैनल है रुबीडियम, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा ले सके। रुबीडियम चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी कंटेंट आपके सामने आएगा, जो भी नया वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आपको ध्यान में रखना है, और अपना जो चैनल है रुबीडियम को सब्सक्राइब करना है। रुबीडियम कोचिंग भी अपना दूसरा चैनल है, उस पे जब कंटेंट आएगा तब आपको लगे हाँ कि भाई इस पे भी कंटेंट अपने काम का है तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपका जो कंटेंट है, काम का जो कंटेंट है, वो रुबीडियम चैनल पे आ रहा है, तो अभी आप उसी को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में रुबीडियम कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर लेना जब उस पे कंटेंट आने लगे। लास्ट लेक्चर में परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रुबिडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, या ऐसे बोल सकता हूं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखो बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसमें कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा, कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा तो उनके बीच में बॉन्ड बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये आपका मुन्ना है, ये आपका मुन्ना है और ये आपकी मुन्नी है, दोनों गए मेले में। दोनों कहाँ गए? मेले में गए। अब मेले में गए, पता चला इनका बॉन्ड अच्छा है, इनका बॉन्ड अच्छा बना हुआ है। क्या है? इनका बॉन्ड अच्छा बना हुआ है। दोनों चले गए मेले में और वहां पर एक दूसरा मुन्ना था, वो मुन्ना आपकी मुन्नी को पसंद आ गया, वो मुन्ना आपकी मुन्नी को पसंद आ गया। तो आपकी मुन्नी ने क्या किया, इस मुन्ने का साथ छोड़ करके और ये मुन्नी चली गई इसके साथ में, और आपका मुन्ना हो गया अकेला, आपका मुन्ना हो गया अकेला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगी, या ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो उनकी केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री इतनी वीक हो गई कि इसने अपनी नई केमिस्ट्री स्टेब्लिश कर ली। यानी यहां पर जो रिएक्शंस, जो खिचड़ी पक रही थी वो खिचड़ी ऐसे मान लो काम की नहीं थी, तो यहाँ पर नई खिचड़ी इन्होंने पका ली, और नई खिचड़ी पका ली तो नई खिचड़ी पकाने के लिए पुराने बॉन्ड क्या किया, तोड़ने पड़े। ये पुराने बॉन्ड थे बच्चों, ये ओल्ड बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड थे, ये ओल्ड बॉन्ड क्या करने पड़े, उनको ब्रेक करने पड़े। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक किए तो यहां पर नए बॉन्ड फॉर्मेशन, जो नए बॉन्ड है वो फॉर्म हुए, जो नए बॉन्ड है वो फॉर्म हुए। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो नए केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई चीज तो पार्टिसिपेट करेगी, और जब वो पार्टिसिपेट करेगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो ब्रेक होंगे और वो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगी, तो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, नए बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पुराने बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कोई भी स्पीशीज जब पार्टिसिपेट करेगी केमिकल रिएक्शन में, तो उनके बीच में नए जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाने की करूँ कोशिश करूँ, तो ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास H2+O2 और ये बना रहा है H2O। क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 6, 2, 6, तो ये लो बॉन्ड है, ठीक है। 2 2 4 2 6 4, ठीक है, ये बॉन्ड है। और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पे देखो H2 है और ये H2O, दो हाइड्रोजन तो रहेंगे, एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ओल्ड बॉन्ड्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं इसको इजीली समझने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो यहां हमें ये ध्यान में रखना है केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड, या ऐसे बोल सकते हैं न्यू बॉन्ड टेक प्लेस। पुराने बंध तो टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूसरा और दे दूं आपको, H2N2 और ये बना लेती है अमोनिया अपने पास में NH3। तो हम ये बोल सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो बेसिकली बच्चों, अपन ने केमिकल रिएक्शन को परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, जिसमें हम एक लाइन में दोबारा से बोल दूं मैं, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले तो देखो इसको लिखते कैसे है, केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे है। तो यहां लिखने की मैं बात बता देता हूं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड का, एक पार्ट होता है राइट हैंड साइड का, और इनके बीच में लगा होता है एरो का साइन। इनके बीच में क्या लगा होता है? एरो का साइन। जो ये लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो LHS साइड में जो भी स्पीशीज होगी उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो भी स्पीशीज होगी RHS साइड में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। और ये जो एरो का साइन है, ये जो एरो का साइन है, ये बताता है अपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, ये बताता है हमें रिएक्शन की डायरेक्शन। अब यहाँ कभी कभी इस एरो के साइन के ऊपर यहाँ पर कुछ स्पीशीज लिखी हुई होती है, कुछ स्पीशीज लिखी हुई होती है, ये स्पीशीज रिएजेंट हो सकती है, रिएजेंट हो सकती है, ये स्पीशीज कैटलिस्ट हो सकती है ना। यहाँ एरो के ऊपर कभी कभी कोई स्पीशीज लिखी होगी, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ मोटी मोटी बात यही ध्यान रखनी है अपने को कि किसी भी रिएक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, बीच में एरो का साइन होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक आरएचएस साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उधर जो स्पीशीज लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उधर जो स्पीशीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। आरएचएस जो साइड होती है, राइट हैंड साइड जो होती है उधर जो स्पीशीज लिखी जाती है वो होती है प्रोडक्ट। और ये एरो का साइन जो है ये बताता है हमें किसकी डायरेक्शन को, रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब क्या है कि
इधर से रिएक्शन इधर जा रही है, यानी ये जो स्पीशीज है, ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज कन्वर्ट हो रही है इस वाली स्पीशीज में, यानी ये प्रोडक्ट बना रही है। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊं, एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे अभी मैंने जैसे बताया N2 H2, और ये बना रहा है अमोनिया। तो यहां पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्पीशीज है इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये जो स्पीशीज है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये जो एरो लगाया है मैंने, ये जो एरो है, ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब जब भी रिएजेंट या कैटलिस्ट जब भी रिएक्शन में आएंगे तब हम उसकी बारे में बात करेंगे। यहां अपने जो फिजिकल केमिस्ट्री है यहां पर उनकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आएंगी चीजें, तो हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। वो कहाँ लिखी हुई होंगी? वो इस एरो के या तो ऊपर या नीचे। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको केमिकल रिएक्शन पता चल गई होगी, और केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है उसका भी पता चल गया होगा, केमिकल रिएक्शन में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं उसके बारे में भी पता चल गया होगा। यानी ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन है, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अमोनिया का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मेशन वो कर रहे हैं। समझ गए बात को? तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं अपन। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब ध्यान देना बच्चों, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम ये बोलेंगे जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, हाँ केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन की दो साइड है, एक LHS एक RHS, या इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट साइड है और एक प्रोडक्ट साइड है, एक रिएक्टेंट साइड है और एक प्रोडक्ट साइड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एटम के जितने नंबर हैं, रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एटम के जितने नंबर है उतने ही नंबर प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, उतने ही नंबर उस एटम के किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो कभी भी एटॉमिक फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, काम की चीज है, इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मतलब ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन काम की प्रॉपर्टी है। क्या है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर उसके रिएक्टेंट साइड में भी और उसके प्रोडक्ट साइड में भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी रिएक्टेंट एटॉमिक फॉर्म में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा। और केमिकल रिएक्शन चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करती है, यानी रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनका मास, उनका द्रव्यमान, उनका वेट प्रोडक्ट साइड में जितने भी स्पीशीज बनेंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रही है, एक एक करके मैं यहां लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर एटम इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड।
प्रोडक्ट साइड, किसी भी पर्टिकुलर एटम के जो नंबर रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर किधर होंगे, प्रोडक्ट साइड में होंगे। दूसरा, मास ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं, फॉलो द मास कंजर्वेशन लॉ, फॉलो मास कंजर्वेशन लॉ, इट मींस मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, मास ऑफ सम ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हो, मास ऑफ सम ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी, एक्सप्लेन करूंगा बच्चों में, आपको सबको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। शॉर्ट में लिख दूं तो चार्ज, चार्ज ऑन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन RHS, RHS यानी राइट हैंड साइड में जो जितना चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर पर्टिकुलर जो एटम है रिएक्टेंट साइड में उतने ही नंबर उसके प्रोडक्ट साइड में होंगे, जितने नंबर रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी रिएक्टेंट सारे रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज जितना भी होगा उतना ही चार्ज प्रोडक्ट साइड में होगा। तो आगे चलते हैं अपन, इसको नोट डाउन कर लो, आप दो प्रॉपर्टी और है वो और बता देता हूँ, नोट डाउन करो बच्चों इसको, आगे चलते हैं फिर। चले आगे, अगली प्रॉपर्टी, स्पीसीज आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म नॉट एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म के रूप में प्रेजेंट नहीं होंगी, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म की यानी मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होंगी। एग्जांपल से मैं समझाऊंगा बच्चों, सारे पॉइंट बताऊंगा आपको। पांचवी स्पीशीज है, या ऐसे बोल सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियस रिएक्शन में पार्ट, न्यूक्लियस लेता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये भी ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास में स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन ब्रैकेट। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर, ईटीसी, ये स्टेट्स होंगी तो वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी, रिटन इन ब्रैकेट, इस प्रकार के ब्रैकेट में। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी और हो गई, ये अभी आपको याद रखनी है, यानी कोई भी स्पीशीज होगी उसकी कौन सी स्टेट में वो प्रेजेंट है वो सारी ऐसे
लिखी जाएगी। आगे बात करें हम, तो आगे आप इसको नोट डाउन करो, अगली एक प्रॉपर्टी और बची हुई है वो लिखवा दूंगा। अगला ऐसे अगली प्रॉपर्टी है अपने पास में, रिएक्शन कोफिशियंट। जो भी रिएक्शन कोफिशियंट होंगे, कोफिशियंट टेल एस अबाउट अबाउट मोलर कोफिशियंट, मोलर कोफिशियंट, ये मोलर कोफिशियंट के बारे में हमें बताते हैं कैसे। अब मैं एक एक, आप इसको नोट डाउन करो, एक एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। देखो सात प्रॉपर्टी मैंने बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ, काम की चीज है, स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है। किसके रूप में? स्टेटमेंट के रूप में ये पूछी जा सकती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, रिएक्टेंट साइड में किसी भी पर्टिकुलर एटम के जितने नंबर होंगे उतने प्रोडक्ट साइड में होंगे। रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास होगा उतना ही इधर होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। रिएक्टेंट साइड में जो टोटल चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली जितनी भी स्पीसीज होंगी वो सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगी, रिएक्टेंट फॉर्म में नहीं होंगी। एक सेकेंड, मैं इसको आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज ये है, जो स्टेट होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के जो कोफिशियंट है वो मोलर रेशियो के बारे में हमें बताएंगे। अभी बच्चों कोई समस्या आ रही है, टेक्निकल इश्यू है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निकल इश्यू है।